गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? बढ़िया है, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। आज हम अपना डी पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा, फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट है जो हमारा कैपेसिटर का। ओके, तो जो थर्ड पार्ट था बेटा उसके न्यूमेरिकल दिए थे कल 27-30 के नियर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, मेरे पास जो भी डाउट आए ना इतने बच्चों के थे, कम से कम भी मतलब 25-30 के अप्रोक्सीमेट थे सारे बच्चों को मिला के, इतने डाउट्स आए थे। अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही पढ़ा करो। अपने जो भी है आपने जैसे नोट्स बताए थे वेरी गुड, कई बच्चों के रिप्लाई आए थे कि सर हमने एज इट इज कर रखे हैं। और उस लड़के के जिसने बिल्कुल ही सीक्वेंस से बना रखे थे, बेटा मैं तो आपके नाम भी नहीं जानता अभी तो, क्योंकि आपको पता है कि एक स्कूल में तो खाली मैडम को गया था, वो बच्चे सारे कनेक्ट हैं मेरे साथ। ठीक है, तो उस केस में वहां उस लड़के ने जो बना रखे थे बेटा, जैसे नोट्स बना रखे थे बहुत अच्छे बना रखे थे, ध्यान रखना इस चीज का कि आपको भी क्या करना है, बिल्कुल सीक्वेंस से न्यूमेरिक फॉर्मूले लिखने हैं। क्लियर है? डायपोल, डायपोल के अंदर भी तीन कंडीशन, ठीक है, पोटेंशियल का केस आ गया, फील्ड का केस आ गया, वेरी गुड। ऐसे ही करने हैं आपको गोल्स के अंदर भी। तो चलो आज हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं, कौन सा? लास्ट पार्ट कैपेसिटर का। और बेटा तीनों पार्ट एक साइड और कैपेसिटर का पार्ट एक साइड, बात समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स के हिसाब से भी इसमें से बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कैपेसिटर में से, जो फर्स्ट यूनिट आपकी 7-8 मार्क्स की है ना, उसमें से कैपेसिटर का पोर्शन आपको बहुत दिखता है। तो तीन पार्ट तो हमारे बिल्कुल सिंपल से हैं, कैपेसिटर भी सिंपल इजी है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा मेन फोकस करना। मैं कोशिश करूंगा इसके न्यूमेरिकल सोल्ड अनसोल्ड सारे करवाने की, ओके, क्योंकि इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पहले तीन तो ऐसे हैं आपके क्या, कभी भी पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल से है, ठीक है। और इसके जरूरतें मारना बेटा साथ साथ समझ के, और अच्छा माइंड के अंदर सेट कर लेना कैपेसिटर को। ये पार्ट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा हम दो पार्ट जो हमारे थे ना सी और डी, उसकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करेंगे। तो आई थिंक अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या हमारा टॉपिक? कैपेसिटर। ठीक है, घरों के अंदर आपने देखा है फैन के ऊपर लगा होता है कंडेंसर व्हाइट कलर का, क्लियर है? इसकी भी अलग अलग ज्योमेट्री होती है, अलग अलग शेप होती है, पर आपने घर के अंदर देखा है, हम उसी की बात करें, उस कैपेसिटर कंडेंसर बोलते हैं जिसको आप, क्लियर है? तो उसका काम क्या होता है वो चीज आप देखोगे पढ़ोगे इस पार्ट के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर इज डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज, एंड इट कैन नॉट बी रिसीव बैक एट अ वेरी फास्ट पेस। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, एंड इट कैन बी रिसीव बैक एट अ वेरी फास्ट पेस, कहने का क्या मतलब है? और जब हमें इस चार्ज की, जो हमने स्टोर कर रखा है, इसके अंदर क्या कर रखा है, चार्ज स्टोर कर रखा है, क्लियर है? चार्ज क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। सपोज करो ये कैपेसिटर, इसके अंदर हमने क्या किया, चार्ज स्टोर किया, और जब हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो ये चार्ज देगा बहुत ही तेज पेस के ऊपर, बहुत ही फास्ट स्पीड के ऊपर हमें क्या देगा, चार्ज देगा, क्लियर है? ठीक है, तो वो चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब थोड़ा सा पढ़ना इसका, मैं यहां आपको बताता हूं। ठीक है, कैपेसिटर डिवाइस है, सिंपल सी बात है, जो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। कितनी करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आपको खाली इतना समझना चाहिए कि कैपेसिटर सिंपल सी क्या है, एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या, एक सिंपल सी डिवाइस है जिसका काम क्या है, चार्ज को स्टोर करने का। ओके, करें स्टार्ट इसको। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूं क्या कि चार्ज को हमें स्टोर करवाना है, हमें क्या करना है बेटा, चार्ज को स्टोर करना है। स्टोर करने की जरूरत पड़ती क्यों हमें, बताना, हमें किसी चीज को स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर स्टोर नहीं करेंगे तो बाद में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो मुझे। तो आप बोले सर हमारे घर में लाइट चली जाती है फिर भी फैन चलता है, क्लियर है बात? ठीक है, आपने दिल्ली में गई होगे, कहीं भी गई होगी, मॉल वगैरह के अंदर लाइट आपने देखा जाती हुई कभी, लाइट जाएगी पर जब जनरेटर की आवाज आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, वहां हमारे पास एक सोर्स है पर वो कैपेसिटर नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखो कि हमारे पास एक सोर्स जरूर होना चाहिए। आप घरों के अंदर क्या लगाते हो, बैटरी लगाते हो, इन्वर्टर लगाते हो ना बैटरी उसके साथ, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर हमारी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन, उसके अंदर चार्ज स्टोर नहीं होता। ध्यान रखना बेटा, बैटरी सेल, ये मोबाइल सॉरी आप जो ये सेल वगैरह टॉर्च के अंदर डालते हो वो क्या है, उसके अंदर कन्वर्जन होता है, उसके अंदर कन्वर्जन होती है, हमें पता है ना, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, आई बात समझ। उसके अंदर हमने चार्ज स्टोर नहीं कर रखे, ध्यान रखना बेटा, वो हमारे उसके अंदर सिर्फ क्या होने लग रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन, हमने उसको अंदर चार्ज को स्टोर नहीं कर रखा, इस चीज का भी ध्यान रखना। ओके, जो सेल वगैरह होते हैं ना उनके अंदर, वो कैपेसिटर क्यों नहीं बोलते हम उनको, क्योंकि हमें पता उसके अंदर तो केमिकल रिएक्शन होने लग रही है। ठीक है, केमिकल एनर्जी इनटू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके,
अच्छा मैं कह रहा था कि हमें स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ती है। आप बोलोगे सर जो हमारा वाटर डिपार्टमेंट है, जैसे पानी आता है 2 घंटे, और पानी तो हमें कब चाहिए, हमें मॉर्निंग में भी चाहिए, हमें इवनिंग में भी चाहिए, इसका मतलब हमें स्टोरेज की जरूरत है। आपने क्या किया, स्टोरेज के लिए ऊपर टैंकी रखवा दी, सबके घरों में रखी है ना टैंक के ऊपर। उसका रीजन क्या है कि हमें पता है कि वो क्या हमारा स्टोरेज है, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी ना सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम, उस केस में हम क्या करेंगे, टू टैप ऑन करेंगे तो आपको पता ऊपर हमने स्टोर कर रखा है वाटर को। ओके, तो स्टोरेज की तो हमें रिक्वायरमेंट है ना बेटा, जब हमें डिजायर होगी उस केस में, हमें पता है ना कि लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर फिर भी काम करेगा, क्लियर है। पानी खत्म नहीं होगा हमारे के ऊपर क्या कर रखा, हमने स्टोरेज कर रखी है, जब पानी का टाइम होगा तो हम मोटर चला देंगे, हमारे ऊपर की टंकी फिर फिल हो जाएगी, फिर हमें जब भी यूज होगा, जब भी डिजायर होगी हम यूज करेंगे वाटर का। ये बात समझती है, ऐसे ही काम किसका है, कुछ कैपेसिटर का है, क्लियर है। पर ये क्या करेगा, इसके अंदर एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रही है एनर्जी, इसमें क्या होने लग रही है, हमने कंप्रेस कर रखा है चार्ज को, चार्ज को क्या कर रखा है, कंप्रेस कर रखा है, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या है, एक सोर्स की तरह ट्रीट करने लग रहा है, किसकी तरह ट्रीट करने लग रहा है, सोर्स की तरह, मतलब हमें चार्ज को दबाना है, इसके ऊपर चार्ज देना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास ये क्या, एक बॉडी है, हमने इसको क्या दिया चार्ज, पता है ना सबको चार्जिंग करने के मेथड, सबको क्लियर है, रबिंग की इसके साथ टच कर दिया, चार्ज आ गया, कौन सा आ गया, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बेटा हमारा मोटिव क्या, हमें तो एक डिवाइस बनानी है जिसके ऊपर हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा मोटिव बेटा किस चीज का होगा, कि चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर किया जाए, तो ऑब्वियसली बात होती है अच्छी इसकी कैपेसिटी बन जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कह दूं कि इसके अंदर हमने चार्ज स्टोर किया 50 कूलम, और दूसरा कैपेसिटर है इसके अंदर चार्ज कितना स्टोर होता है 150 कूलम, तो आप क्या बोलोगे कौन सा ज्यादा अच्छा है, कैपेसिटी किसकी ज्यादा अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे इसकी कैपेसिटी कैसी है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, इसकी कैपेसिटी कैसी है बेटा, ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। ये बात समझ आती है। एक चीज का और ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं कि इसकी कैपेसिटी आप बोले सर 100 कूलम है, बस ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज दे सकते हैं इसको 100 कूलम, ठीक है। उसके बाद मैं बोला इसके कितना चार्ज दे सकते हैं, आप बोले इसको हम दे सकते हैं 200 कूलम, बस ज्यादा से ज्यादा। मैं बोला अगर 200 से ज्यादा दे अगर हम इसको चार्ज, तो आप बोले अगर आप 200 से ज्यादा दोगे ना इसको चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर स्प्रेड हो जाएगा। पर इसके अंदर स्टोर कितना होगा, इसके अंदर होगा बस 200 कूलम चार्ज, इसके अंदर कितना होगा 100 कूलम चार्ज स्टोर होगा इसके अंदर, अगर उससे ज्यादा दिया तो बाहर स्प्रेड हो जाएगा, बाहर फैल जाएगा वो, पर इसके पास तो कितना रहेगा 100 कूलम ही रहेगा। बात समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल एक बकेट लिया आपने, बकेट लिया, बकेट के अंदर कितना पानी आ सकता है 20 लीटर, आपने टैप ऑन किया, ऊपर टंकी कितने की है, जो ऊपर आपका टैंक रखा वो 1000 लीटर का है। आई बात समझ, नीचे आपने जो बकेट रखी बाथरूम के अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी है 10 लीटर की। अब मैं कहूं कि इस बकेट के अंदर मेरे को 50 लीटर वाटर चाहिए, 50 लीटर, आप बोले ठीक है, आपने उस रखा इस बकेट को और टैप ऑन कर दिया, 10 लीटर पानी तो जाएगा बेटा बकेट के अंदर, ऊपर टंकी में तो 1000 लीटर भरा है, पानी आने लग रहा है, ठीक है। ऊपर टंकी पूरी भरी थी 1000 लीटर की, नीचे आपने टैप ऑन किया 10 लीटर आ गया इसके अंदर, 10 के बाद और जो पानी आएगा सारा बकेट से बाहर खिलेगा। ये बात समझ आती है। अब मैंने बोला कि वो टैंक के ऊपर की आधी होगी, बताओ इसके अंदर 50 लीटर आया पानी, तो आप बोलोगे ना सर इसके अंदर तो 10 लीटर ही आ रहा है। उसका रीजन तो समझो बेटा कि उसकी कैपेसिटी ही कितनी है 10 लीटर की है बस, उससे ज्यादा हम उसके अंदर पानी डाल ही नहीं सकते। अब जितना और पानी डाला हमने उसके अंदर, जितना भी पानी डाला सारा बाहर गिर गया, उसके अंदर तो कितना रहा 10 लीटर रहा। तो ये बात समझ आती है कि इसके अंदर कितना चार्ज रह सकता है 100 कूलम, इसके अंदर कितना चार्ज आ सकता है 200 कूलम बस, अगर उससे ज्यादा चार्ज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। अब मैं आपको एक मेन चीज समझाऊंगा बेटा, थोड़ा सा फोकस करना उस चीज के ऊपर, क्लियर है। इसी चीज को बता रहा हूं मैं आपको कि एक कैपेसिटी होती है, हर एक जो भी हमारा कंडक्टर है उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी है, उसके ऊपर इतना चार्ज आ सकता है, इससे ज्यादा दोगे तो बाहर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने क्या दिया इसको चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, हमने क्या दिया इसको पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार, इसको हमने चार्ज दिया, ठीक है, चार्ज दिया, ये चार्ज आ गया कितना 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हम देने लग रहे हैं, ठीक है। बाहर क्या है बेटा, एयर, इसके बाहर की साइड क्या है, एयर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, हमें पता है एयर क्या है, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था ना बेटा, डाइलेक्ट्रिक को अच्छे से रट्टे मार लेना, मैं पहले बताया था आपको, डाइलेक्ट्रिक बार बार यूज होंगे हमारे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक आपको पता है ना, ये तो क्या इंसुलेटर, पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी थी तो वही क्या बन गए थे, कंडक्टर बन गए थे, क्लियर है। अच्छा
एयर की डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ याद है आपको कितनी थी, 3 × 10^6 वोल्ट पर मीटर। आई होप कि आपको याद होगी। ठीक है, मैंने बोला था ना बेस्ट इंसुलेटर कौन सा था, बेस्ट डायलैक्ट्रिक जो हमारे पास वैक्यूम था, परफेक्ट वैक्यूम। ठीक है, तो उस केस में 10^18 तक पहुंच गए थे। मतलब इसका इंसुलेशन कब खत्म होगा, जब हम इससे ज्यादा वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, तो हमें पता नहीं क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी एयर। एयर है क्या, डायलैक्ट्रिक इंसुलेटर। क्लियर है। अच्छा, क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींच सकता है, तो आप बोले नहीं खींच सकता। क्यों नहीं खींच सकता, ये पॉजिटिव, ये जो हम चार्ज देने लग रहे हैं, ये पॉजिटिव इसको खींच सकता है एयर के इलेक्ट्रॉन को, तो आप बोले नहीं खींच सकता। क्यों नहीं खींच सकता, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो न्यूक्लियस में फोर्स लगा है वो कैसा बहुत ही ज्यादा। ये नेगेटिव तो कब आएगा इसकी तरफ, इस पॉजिटिव की तरफ कब आएगा, जब आप क्या बोलोगे, जब ये वाला पॉजिटिव ना इससे ज्यादा फील्ड बना देगा। क्लियर है बात, जब इतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना इस पॉजिटिव की, तो उस केस में नेगेटिव इसकी तरफ आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ आती है बात। हमने चार्ज दिया कितना, हमने चार्ज दिया बेटा इसको 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, चार्ज स्टोर होने लग रहा, होने लग रहा, हम बढ़ते जा रहे हैं चार्ज को। पहले 10 था, पहले कम चार्ज था 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, फिर आगे 1000। हमने बेटा चार्ज कितना दे दिया इसको, क्यू दे दिया 1000 कूलम। ध्यान से सुनना बेटा ये कंसेप्ट सारे के सारे। हमने चार्ज कितना दे दिया बेटा इसको, 1000 कूलम। अब हमें पता है चार्ज के कारण क्या बनती है फील्ड, 1/4 πε0 q/mA² इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज देने लगे उसके कारण क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या बोलो सर, 1000 हमने जैसे इसको चार्ज दिया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इतनी होगी। ये बात समझ आती है, क्लियर है, कितनी होगी इतनी। जब हमने कितना चार्ज दिया इस बॉडी के ऊपर, 1000 कूलम चार्ज दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग बनेगी, इतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। भाई चार्ज दिया तो फील्ड भी बढ़ेगी चार्ज के कारण, और चार्ज के कारण फील्ड कितनी बनेगी, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा होते। आप क्या बोलोगे, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसकी तरफ भागाएगा। ये बात समझ आती है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसकी तरफ भाग के आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, अगर मैं कहूँ कि बेटा इस 1000 कूलम से क्या मैं इसको और ज्यादा चार्ज दे सकता हूँ, क्या इस 1000 कूलम से हम इसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, इससे ज्यादा चार्ज हम नहीं दे सकते, इससे ज्यादा चार्ज हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते बताना, क्योंकि ध्यान से सुनना बेटा, अभी इन बातों को ध्यान से सुनना। मैंने क्या क्वेश्चन किया आपसे, ए तीन चीजें वैसे आपको समझ आती होंगी, आप एक साथ जो हम यूज करते हैं, क्या क्या चीजें यूज करते हैं, मैं एक बार इसको रब कर दूं, ध्यान से देखना एक बार। तीन चीजें क्या क्या होती हैं, एक होता हमारे पास चार्ज, चार्ज के कारण आपको पता है चार्ज, वन चार्ज, दूसरा पोटेंशियल, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तीन चीज होती है, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं कहूं कि बॉडी के ऊपर हमने क्या दिया, चार्ज, क्या दिया चार्ज, चार्ज के कारण क्या रहता, पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताना, 1/4 πε0 q/mA, पढ़ा था हमने q/mA r पोटेंशियल का फॉर्मूला। अगर चार्ज है तो क्या है, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट भी है, इफेक्ट है तो क्या है, फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपको पता है, 1/4 πε0 q/mA r². ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसको हमने कितना चार्ज दिया बेटा, 10000, कितना दे दिया, 10000। क्लियर है, 10000 चार्ज देते ही हमने क्या देखा कि यहां जो इसने फील्ड बनाई ना, वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर। ये बात समझ आती है, 10000 कूलम जैसे हमने इसको चार्ज दिया, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि अब ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, क्या कर सकता है, खींच सकता है। ध्यान से सुनना, चार्ज कितना दिया, 1000, पोटेंशियल भी कितना मान लिया, 1000 वोल्ट मान लिया, चार्ज भी कितना, 1000 कूलम, पोटेंशियल कितना इसका, मैं कहूं चार्ज तो आप बोले 1000 कूलम आया, बस उससे ज्यादा आई नहीं रहा। बाल्टी की स्टोरेज कितनी थी, 10 लीटर थी, 11 लीटर का अगर मैं डालूंगा पानी, तो वो 11 लीटर कहां चला जाएगा, बाहर खिंच जाएगा। अगर मैं इससे 1000 कूलम से ज्यादा चार्ज दूंगा, तो वो बाहर चला जाएगा, कैसे जाएगा, उस चीज के ऊपर कंसंट्रेशन करना, उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना, कैसे, मैंने इसको एक चार्ज जोड़ दिया 1, ठीक है, 1000 कितना चार्ज हो गया बेटा बताना, 1000 1 कूलम चार्ज हो गया। क्लियर है, क्या ये एक चार्ज यहां सर्वाइव करेगा इसके ऊपर, क्या ये एक चार्ज जो हमने एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, क्या वो इसके ऊपर सर्वाइव कर सकता है,
क्या वो 11 लीटर पानी में टंकी में आ सकता, उस बकेट में आ सकता है? तो आप बोलोगे नहीं आ सकता। तो क्या ये एक एक्स्ट्रा जो हमने चार्ज दिया वो इसके ऊपर सर्वाइव कर सकता है कूलम चार्ज? तो आप बोले नहीं कर सकता। तो कहां जाएगा? तो आप क्या बोलोगे, इस प्लस ने ना इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया। ये बात ध्यान से सुनना, इस प्लस ने पोटेंशियल कितना था इसका 1000, ठीक है? ध्यान से सुनना, चार्ज 1000 था, बस इतना था। उसके बाद एक कूलम, अच्छा चार्ज 1000, पोटेंशियल भी 1000, हमने एक कूलम चार्ज जोड़ दिया तो चार्ज कितना हो जाना चाहिए था 1000, वन कूलम। पर क्या एक्चुअल में 1000 वन कूलम होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही हमने इसको एक कूलम और चार्ज दिया तो हमें पता है कि एयर थी और एयर की कितनी थी 10^6 वोल्ट पर मीटर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर गया। फील्ड क्रॉस करते ही जो हमारा एयर डाइलेक्ट्रिक था जो इंसुलेटर की ट्रीट कर रहा था, इतनी ज्यादा फील्ड होने के कारण, इस चार्ज के कारण, उसने क्या किया, इसके नेगेटिव एयर के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। क्लियर है बात? खींचते ही नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। और एयर जो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल थी, सिर्फ उसके पास क्या बच गया, पॉजिटिव आयन बच गया। नेगेटिव किसने खींच लिया, इसने खींच लिया। बात समझ आती है? ध्यान से सुनो, मेरा कहने का मतलब, हमने इसको 1000 एक वन दिया तो पोटेंशियल भी कितना बढ़ गया इसका, 1001 बन गया। पोटेंशियल भी कितना आ गया, 1001। लेकिन हम क्या देखेंगे, इसने इस नेगेटिव को खींच लिया अपनी तरफ। नेगेटिव क्या थे, चार्ज कितना वन कम हो गया, वन कम हो गया, वन कम होते दोबारा कितना बन गया वो 1000। पोटेंशियल भी कितना डिक्रीज हो गया, वन। पोटेंशियल भी कितना आ गया, 1000 वोल्ट। दोबारा सुनो इस बात को, चार्ज कितना आ सकता था इसके ऊपर, 1000 आ सकता था, 1, 2, 3, 10, 100, 200, 300 कूलम हमने चार्ज दिया इसके ऊपर, जाता गया। क्लियर है? बकेट कितने की थी, 20 लीटर की थी, 1, 2, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर होता गया, 20 लीटर हो गया उसके अंदर, आ गया बकेट के अंदर 20 लीटर। अब 20 से ज्यादा अगर मैं दूंगा उसको पानी तो वो पानी कहां जाएगा बेटा? तो आप बोलोगे बकेट से बाहर जाएगा। तो अब देखो, 1000 से अगर हमने चार्ज एक कूलम चार्ज जोड़ दिया तो क्या वो इसके ऊपर सर्वाइव कर सकता है? तो आप क्या बोलोगे, देखो जो एक हमने चार्ज एक्स्ट्रा दिया था ना, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा दिया हमने, वो कहां गया, बाहर आ गया, बाहर खेल गया ना। देख लो कैसे आए बाहर, बताना। पर इसका एक फंडा समझ आना चाहिए कि ये बाहर आया कैसे है। तो आप क्या बोलोगे, एयर से नेगेटिव इसने खींच लिया, एयर से नेगेटिव खींचते जो एक्स्ट्रा दिया था न्यूट्रलाइज हो गया, तो एयर का सिर्फ कौन सा बच गया बाहर, पॉजिटिव रह गया, आयन हो गया, आयनाइजेशन हो गया। ये बात समझाती है? तो सिर्फ कौन सा रह गया, एयर का, आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होगी वो। तो हम क्या बताएंगे, और इसके ऊपर कितने थे, 1001 एक्स्ट्रा दिया था पर नेगेटिव खींच के दोबारा कितना बन गया वो, 1000 कूलम ही रह गया। पोटेंशियल शुरू में कितना था इसका, 1000, एक एक्स्ट्रा देते ही चार्ज जोड़ दिया तो पोटेंशियल भी बढ़ गया 1001, पर हमने क्या देखा, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव हुआ, इतना बढ़ गया वो भी 1000। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। दूसरी बार फिर देख लेना वीडियो को, रिवाइंड करके, मेरा कहने का क्या मतलब है, इस बॉडी की जितनी कैपेसिटी थी हम उसको उतना ही चार्ज दे सकते हैं, 1000 ही दे सकते हैं बस, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ओके? तो अब मैंने बोला कि ये हमारे पास तीनों कैपेसिटर है, तो इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना चार्ज स्टोर करने की, 100 कूलम। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 200 कूलम। इसकी कितनी है, 300 कूलम। ये बात समझ आती है? अब जितनी कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, जितनी इस कंडक्टर की कैपेसिटी 100 कूलम चार्ज स्टोर करने की, इस कंडक्टर की कैपेसिटी 200 चार्ज कूलम स्टोर करने की, इस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है, 300 कूलम चार्ज स्टोर करने की, तो इनकी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। कंडक्टर हम बात कर रहे हैं किसकी, कैपेसिटर। कैपेसिटर तो क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। कैपेसिटर तो क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। कितना स्टोर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ये बात समझ आती है? क्या बोला मैंने, कैपेसिटर तो क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करेगी, पर कितना स्टोर करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कैपेसिटेंस। क्लियर है बात, समझ आती है? ये फंडा क्लियर है, क्लियर है, ठीक है? तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान देना है, फोकस कर लेना बेटा, दो बार सुन लेना बेशक इस चीज को, पर इंपॉर्टेंट है। वही चीज है कि बेसिक क्लास आपको पता है थोड़ी सी लगती ऐसी है, लेकिन उसी के अंदर सब कुछ होता है बेसिक क्लास में ही, ठीक है? अगर मैं कहूँ इस बॉडी को हम चार्ज देने लग रहे हैं, ठीक है, कितना दे सकते हैं, कितना मैक्सिमम आ सकता है, इसकी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, इसका कैपेसिटेंस, ठीक है? जितना आ सकता है, ये हमारा कैपेसिटर है, एक कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर कैपेसिटर वही चीज है जिसके ऊपर हमने चार्ज को स्टोर किया, पर कितना किया, इतनी इसकी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, इसकी कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्लियर है?
अब एक चीज देखो, हमारा मोटिव होता क्या है बेटा, कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करें। किसको स्टोर करें? ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करें, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करें। तो आप क्या बोले सर? बिल्कुल कर सकते हैं। बोला कैसे कर सकते हैं? आप बोले कि अभी आपने इसके ऊपर 1000 कूलम चार्ज स्टोर किया। कितना किया? 1000 कूलम चार्ज स्टोर किया। क्लियर है? 1000 से ज्यादा करते ही हमें पता है क्या आएगी, जो हमारा मीडियम था ना उसका ब्रेकडाउन हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, हम चार्ज और ज्यादा स्टोर नहीं कर सके। आप बोले सर मीडियम चेंज कर दो, एयर की बजाय कोई ऐसा इसकी सराउंडिंग में मीडियम लेके आओ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा हो, ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर। आप बोले सर कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसा ऑयल वगैरह, कोई ऐसा मीडियम भर दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा हो, ज्यादा हो। क्लियर है बात? जिसकी डायलैक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो कैसी हो, ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल 10,000 हमने कूलम दिया, हो गया चार्ज। अब इसके ऊपर मैं और चार्ज भरने लग रहा हूं, और चार्ज फिल करने लग रहा हूं, आप क्या बोलोगे? और चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या इंक्रीज कर दिया, हमने एयर को हटा दिया इसमें से, इसके साइड से हमने इस कंडक्टर के साइड से एयर को हटा के कोई दूसरा हमने ऑयल फिल कर दिया, हमने कोई और चीज फिल कर दी, ठीक है, कोई पाउडर फिल कर दिया जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिसका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी थी, जिसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी थी, ज्यादा थी। इसका मतलब अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने में कितनी फील्ड होनी चाहिए, इतनी फील्ड होनी चाहिए, इस पॉजिटिव को इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए इतनी फील्ड चाहिए। ये बात समझ आती है? मेन फोकस करना। हमने क्या किया, ए मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया। आप क्या बोलोगे सर? यही वही कंडक्टर है जिसके ऊपर 1000 कूलम चार्ज आ रहा था, और अब हमने देखा कितना आ रहा है, 1500 कूलम। कितना आ रहा है? 1500 कूलम आने लग रहा है। क्लियर है? इसका मतलब इसकी स्टोरेज कैसी है, ज्यादा चार्ज स्टोर कर लिया। वही चीज है सेम, पर आपकी बार कितना फिल करते हैं हमने इसके ऊपर चार्ज, 1500 से ज्यादा करेंगे अगर चार्ज, तो आप क्या बोलोगे, दोबारा क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन खींच लेगा। तो हमारा मोटिव किस चीज का होता है, कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करें। ओके, कर दो बेटा अब इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कैपेसिटर समझ आ गया, एक डिवाइस है चार्ज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर मैं बता रहा हूँ, फैन वगैरह के अंदर देखा, कैमरे के अंदर आप पहले कैमरे जो आते थे बेटा उसके अंदर आप क्या चीज देखते थे, एक फोटो क्लिक किया, क्लियर है। कैमरे की जो पतली पतली वायर होती है वो इतना करंट नहीं दे सकती, रेजिस्टेंस होता उनका कुछ ना कुछ, जो उसके सेल वगैरह यूज करते हैं ना क्लिक करने के लिए, फ्लैश के लिए, हम देखते उसके सेल से इतनी ज्यादा एनर्जी हम नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर भी क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, और उसके इसमें जब फ्लैश होता है ना तो उसके इसमें बहुत ज्यादा करंट जाता है। वो किसकी हेल्प से जाता है? कैपेसिटर की हेल्प से। कैपेसिटर क्या करेगा, सारे चार्ज को दे देगा एक बार, तो उसके बाद वो रेड कलर की बीप दिखाएगा आपको, रेड लाइट स्टार्ट हो जाएगी। रेड लाइट का क्या मतलब है, कि अभी फ्लैश नहीं मार सकता कैमरा, रीजन क्योंकि अभी वो डिस्चार्ज हो गया, उसने सारा चार्ज दे दिया करंट के लिए, ज्यादा करंट के लिए, तो अब वो क्या हो गया, डिस्चार्ज। और जैसी वो लाइट ग्रीन होगी ना, इसका मतलब क्या है कि हमारा कैपेसिटर दोबारा से क्या हो गया, चार्ज हो चुका सारा का सारा। अब आप क्या कर सकते हो, फ्लैश मार सकते हो। क्लियर है? पुराने कंसेप्ट है, आजकल तो आपको पता है नए नए कैमरे हैं। तो अब देखो ध्यान से, ये तो क्या हमारा कैपेसिटर का कंसेप्ट। उसके बाद अगली काम कौन सी आ गया, हमारी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर तो एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करेगी। कितना करेगी, इसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको हमने क्या बोला है, कैपेसिटेंस। सॉरी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट चार्ज विच इंक्रीजेस पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ये तो मैंने न्यूमेरिक फॉर्म में बता दी इसकी। अदरवाइज कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस होता है क्या, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। क्लियर है बात, ठीक है। ये कितनी कैपेसिटी है उसकी चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ये न्यूमेरिक फॉर्म में बताइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्या है पता आपको, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल पूरा पढ़ चुके हम, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताना मेरे को, तो आप क्या बोलोगे, 1/4πε0Q/r। ये पढ़ा था हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला। आपको पता है, हम शीट की बात करें, हम शेल की बात करें, हम किसी भी चीज की बात करें, पर बेसिक तो हमें पता है ना, पॉइंट वाला कंसीडर करते हैं। बेसिक कौन सा कंसीडर करते हैं, पॉइंट वाला। तो पॉइंट के कारण हमने पोटेंशियल का कंसेप्ट देखा था, एक सोर्स चार्ज क्यू के कारण पोटेंशियल देखा था ना हमने, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं कहूं क्यू हमने ज्यादा दिया, चार्ज ज्यादा दिया, ये बॉडी है इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का, ध्यान से सुनना बात को, प्लस का 50 कूलम। कितना है, प्लस का 50 कूलम। इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना, प्लस का 50 कूलम। तो आप क्या बोलोगे, इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, पोटेंशियल भी कितना होगा इसका, किसके अकॉर्डिंग होगा, चार्ज के अकॉर्डिंग होगा।
पोटेंशियल भी किसके अकॉर्डिंग होगा, पोटेंशियल चार्ज के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं इसी बॉडी को हमने चार्ज दे दिया प्लस 500 कूलम, कितना दे दिया प्लस 500 कूलम, तो बताना पोटेंशियल इसका बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका पोटेंशियल तो आप कहां तक होगा, दूर तक होगा, क्लियर है बात। जब 50 कूलम थे, जब हमने इसको 50 कूलम चार्ज दिया था, इस बॉडी को हमने कितना चार्ज दिया 50 कूलम, तो इसका पोटेंशियल भी कहां तक था, सिर्फ यहां तक था। इसका इफेक्ट भी कहां तक जा रहा था, सिर्फ यहां तक जा रहा था। हमने चार्ज दे दिया 500 कूलम, तो आप क्या बोले सर इसका इफेक्ट मतलब पोटेंशियल भी कहां तक हो गया, दूर तक हो गया। क्लियर है बात, समझ आती है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, चार्ज कम तो पोटेंशियल कम, चार्ज ज्यादा तो पोटेंशियल भी इफेक्ट भी ज्यादा। कोई सिंपल सी बात है, चार्ज इसके ऊपर कम है तो इसकी रेंज पास तक की है, चार्ज ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, रेंज दूर तक की है। क्लियर है बात, समझ आती है। तो हमने क्या बोला, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सॉरी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शन वी क्या है पोटेंशियल, क्यू क्या है चार्ज, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आ गया कांस्टेंट सी, और सी क्या हमारा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को किससे रिप्रेजेंट करते बेटा, सी से, ठीक है। सी इज कैपेसिटेंस, कांस्टेंट जो हमने यूज किया वो क्या है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, क्यू बाई में बी, सी का फॉर्मूला बनाओ तो क्या बन गया, क्यू बाई में बी आ गया। अगली बात समझ, क्या है कैपेसिटेंस। अब हम कैपेसिटेंस यूज करेंगे, ये हमारा पहला बेसिक फॉर्मूला आ गया, हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक बेसिक फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है। क्यू बाई में बी, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस सी, सी की यूनिट क्या होती है बेटा फेराड, सी की यूनिट क्या होती है बेटा फेराड होती है, क्लियर है बात। फेराड साइंटिस्ट थे, अरे बहुत बड़ी यूनिट है फेराड, तो हम कभी यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी एसआई सिस्टम के अंदर हमें यूनिट बनानी पड़ी फेराड। बताऊंगा मैं क्यों यूज नहीं करते, जब पूरी अर्थ का भी निकालूंगा ना कैपेसिटेंस, तो भी आप देखोगे 1 फेराड भी नहीं आया हमारा, क्लियर है। तो बाद में बताऊंगा ये चीजें, तो जब स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे, पर फिलहाल क्या याद रखना है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है बेटा फेराड होती है। डायमेंशन फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या आ गया, क्यू बाई में वी, कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, तो फॉर्मूला क्या, क्यू बाई वी, क्यू बाई में वी पोटेंशियल क्या होता है वर्क बाय में चार्ज, क्यू के ऊपर जाके क्या बन गया क्यू स्क्वायर बाय में डब्ल्यू, भाई निकाल लेना डायमेंशन फॉर्मूला तो पता है सबको, ठीक है। क्यू एनर्जी और उसके बाद क्या है नीचे वर्क, ये कर्व उड़ा के जो भी आपका है, सॉरी चार्ज, क्यू क्या है चार्ज है, ठीक है, और वर्क एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा लेना। तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या गया, एम माइनस वन एल की माइनस टू टी की फॉर ए की टू, ये हमारे पास क्या आ गया कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसी क्वांटिटी है बेटा कैपेसिटेंस, स्केलर क्वांटिटी, कैसी है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैं कहूं कैपेसिटेंस की यूनिट, तो आप क्या बोले एसआई यूनिट होते फेराड, ऊपर हमारे पास क्या है क्यू चार्ज है, नीचे क्या है पोटेंशियल। अगली बात समझ, 1 फेराड इसकी चार्ज की 1 कूलम, और पोटेंशियल किसके बराबर होगा 1 वोल्ट, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के बराबर, ठीक है। अब देखो मैं किसको डिफाइन करूंगा बेटा, यहां से हम डिफाइन करते हैं 1 फेराड को, किसको डिफाइन करेंगे बेटा 1 फेराड को, 1 फेराड को डिफाइन करो 1 फेराड को। आप क्या बोले, यहाँ चार्ज कितना होना चाहिए 1 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए हमारे पास 1 वोल्ट का, क्लियर है बात, कितना 1 वोल्ट का। 1 फेराड इज कैपेसिटेंस ऑफ दैट बॉडी व्हिच पोटेंशियल इंक्रीज बाय 1 वोल्ट व्हेन चार्ज गिवन इज 1 कूलम, क्लियर है बात। तो उस केस में हम बोलेंगे कैपेसिटी कितनी, उसकी कैपेसिटेंस कितना है उसका 1 फेराड है। ये हमारे पास एक बॉडी थी, क्लियर है बात, ठीक है। इसके ऊपर क्या था, चार्ज दे रखा हमने, सपोज करो चार्ज कितना दे रखा हमने, क्यू दे रखा इसको 50 कूलम, 50 कूलम है, चार्ज हमने कितना इंक्रीज कर दिया 1 कूलम, मतलब कितना हो गया 51 कूलम, चार्ज 50 से कितना हो गया 51 कूलम, क्लियर है बात। पहले इसका पोटेंशियल कितना था बेटा 200 वोल्ट था, सपोज करो कितना था इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट था, चार्ज हमने कितना दिया इसको 1 कूलम, चार्ज कितना दिया और 1 कूलम दिया, और हमने देखा पोटेंशियल, अब नया पोटेंशियल कितना आ गया बेटा 51 वोल्ट आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, पोटेंशियल में इंक्रीज कितना हो गया, हमने जैसे इसको 1 कूलम चार्ज जोड़ दिया ना, तो हमने देखा पोटेंशियल कितना बढ़ गया 1 वोल्ट बढ़ गया। उस केस में हम इसकी कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, उस केस में हम इसकी कैपेसिटी को क्या बोलेंगे 1 फेराड बोलेंगे। 1 फेराड इज कैपेसिटेंस ऑफ दैट बॉडी, कैपेसिटी कैपेसिटेंस ऑफ दैट बॉडी व्हिच पोटेंशियल इंक्रीज बाय 1 वोल्ट व्हेन चार्ज गिवन इज 1 कूलम, जब 1 कूलम चार्ज देंगे तो पोटेंशियल कितना राइज हो जाएगा बेटा 1 वोल्ट, क्लियर है। उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसका कैपेसिटेंस कितना है 1 फेराड है। अगली बात समझ, ठीक है, कितना है 1 फेराड है। तो ये हमारा बेटा बेसिक लेक्चर था, ये क्या था हमारा बेसिक लेक्चर, एक बेसिक लेक्चर और लूंगा मैं इसका भी, क्लियर है। अब ध्यान रखना एक चीज का, और किस चीज का ध्यान रखोगे, कि प्रैक्टिकली हम 1 फेराड को कभी यूज नहीं करते, 1 फेराड तो बहुत बड़ी यूनिट है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता भी लग जाएगा जब मैं अर्थ का निकलवाऊंगा।
आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट ठीक है किसकी, कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस की प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी होती है बेटा, माइक्रो माइक्रो फेराड, 10^-6 फेराड, आगे बात समझ ठीक है, पीको फेराड, पीको फेराड कितने होते हैं, 10^-12 फेराड, क्लियर है, माइक्रो फेराड 10^-6 फेराड और पीको फेराड 10^-12 फेराड। जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है बेटा ध्यान रखना, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, फैन वगैरह किसमें आते हैं, इलेक्ट्रिक में आते हैं, इलेक्ट्रिकल, क्लियर है बात, उनका कैपेसिटेंस किसमें मिलेगा आपको, माइक्रो फेराड में, किसमें मिलेगा, माइक्रो फेराड में, आगे बात समझ ठीक है, माइक्रो फेराड में, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है ना उनके लिए किसमें मिलेगा, माइक्रो फेराड में मिलेगा। और जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब फोन वगैरह, कैमरे वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपको कैपेसिटेंस मिलेगा ठीक है वो कितना मिलेगा, पीको फेराड में, किसमें मिलेगा, पीको फेराड में। नैनो वगैरह का यूज नहीं किया मैंने, ध्यान से सुन लो किस किस का यूज किया, प्रैक्टिकल दो ही चीजों का यूज करते हैं हम, एक तो माइक्रो फेराड दूसरा पीको फेराड, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आप देखोगे भी इनको, क्लियर है बात, इलेक्ट्रिकल का माइक्रो में और इलेक्ट्रॉनिक्स का पीको फेराड में, ओके, क्योंकि वन फेराड देखो, वन फेराड से कितनी कम है ये, वन फेराड तो बहुत बड़ी वैल्यू है, क्लियर है बात, वन फेराड तो कैसी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं ना इनका यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कब कैपेसिटर या कंडेंसर होता है, क्या है, एक डिवाइस है जिसके अंदर चार्ज स्टोर किया जाएगा, ओके, चार्ज कितना स्टोर किया जाएगा, तो आप वो चीज क्या बोलोगे, इसकी सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा, पता है ना, डायरेक्ट्रिक चेंज कर दिया था हमने तो आप क्या बोले, और ज्यादा चार्ज स्टोर कर लिया था हमने इसी के ऊपर, क्लियर है, तो इस चीज का आपके ऊपर बेटा मेन फोकस कर लेना है इस चीज का। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर अगर अगर हमने इसके चारों तरफ वैक्यूम कर दिया, परफेक्ट वैक्यूम, ध्यान है डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना था, 10^-18 वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब कितना भी चार्ज बढ़ते जाओ, इनफाइनाइट चार्ज बढ़ देंगे इसका मतलब इसके ऊपर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, एक इम्प्रैक्टिकल सी सिचुएशन बन जाती है ये, क्यों बन जाती है, क्योंकि परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर है ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, कितनी कैपेसिटी है इसकी चार्ज को स्टोर करने की, उसको हमने क्या नाम दिया है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का हमने बेसिक पढ़ा है ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बार बार यूज होगा, ध्यान रखना बेसिक कंसेप्ट है पहला फॉर्मूला ठीक है, यहां से हमारा ड्राइव होगा, ओके। तो बेटा ये आपकी बेसिक क्लास थी, अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे इसके, कोई डाउट हो, कोई बच्चा बाद में करे तो भी मेरे पास प्रॉब्लम सेंड कर देना ठीक है, जिन बच्चों ने प्रॉब्लम भेजी थी ना मेरे पास, एक दो बच्चे ऐसे थे जो कॉमन प्रॉब्लम थी, वो बेटा मैं लूंगा आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे ना, फोर्थ हमारा कंप्लीट होता है, हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, सी पार्ट की और डी पार्ट की, मतलब बोस की, बोस के जो फील्ड के कंसेप्ट थे, उसके बाद किसके थे बेटा, हमारे पोटेंशियल के कंसेप्ट थे, उसके बाद कैपेसिटर हमारा होते ही हम क्या करेंगे इसकी एनसीईआरटी, उसके बाद कम से कम भी हम 4-5 दिन लगाएंगे बेटा इसकी एक्सरसाइज पे, सोल्ड एंड सोल्ड जो भी है सारे जो भी डाउट होंगे ठीक है, तो ये बेसिक क्लास की बेटा दोबारा देख लेना, डाउट हो तो पूछ लेना, ओके बाय।